नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर पवन श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि रेशियो को अपन ने स्टार्ट कर दिया था, उसका डेमो वीडियो आपने देख लिया है। अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रेशियो के, जिनसे अपन बाकी चीज़ों को। मेरे दोस्तों, मैंने बोला था आपसे कि दो ही चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, अनुपात और प्रतिशत। तो अनुपात के आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सीखोगे और उनसे इस मैथ्स रूपी शेर को बाहर निकालोगे। मेरे दोस्तों, एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि आपकी जो मैथ्स है, ये एक शेर है। ये क्या है? एक शेर है। ये शेर है ना भाई साहब, ये एक पिंजरे में कैद है। अब आपको भी पता है कि अगर शेर है पिंजरे में कैद है तो क्या होगा कि शेर कुछ कर थोड़ी पाएगा। वैसे ही हालात आपके मैथ्स के हो चुके हैं बच्चे, कि आपको आता सब कुछ है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, आप सोच ही नहीं बढ़ा पा रहे, आप सोच ही नहीं सकते कि क्या है, अरे मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ क्या, अरे क्या ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा क्या। तो मेरे दोस्तों, कि रेशो एक ऐसा चूहा है, रेशो क्या है, एक ऐसा चूहा है जो इस जाल को काटेगा और इसे काटेगा और जैसे ही काटेगा तो ये जो शेर है ये कहाँ से आएगा भैया, बाहर आएगा। यानी कि अगर आपने मेरे दोस्तों रेशो को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका जो मैथ्स है वो निकल के बाहर आएगा। आप चीज़ों को एक अलग ही वे में सोचोगे, एक अलग ही तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, डेमो पार्ट अपन ने पढ़ लिया, अब अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं कॉन्सेप्ट रेशो के। चलिए जी, सर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर वन की, अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर वन की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी आपके पास में दोस्तों कुछ सेंटेंस आते हैं, कुछ वाक्य आते हैं और उनमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए जी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, या वट एवर जो भी है वो क्या होगा। चलिए उन्हीं को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ए बी का, ए बी का 25% है, ए बी का 25% है, ए इज 25% ऑफ बी। ए किसी बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है तो देखो ए इज 25% ऑफ बी। मेरे दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यदि ए बी का 25% है, ए इज 25% ऑफ बी है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा कि बताइए जी सर ए अनुपात बी क्या होगा। तो चलिए सर डिस्कस करते हैं, देखते बिल्कुल आसान है। देखो सीरियस होके नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना एंजॉय के साथ में, फील लेके पढ़ना है। मेरे दोस्तों फील द रेट ऑफ मैथ, मेरे दोस्तों क्या कि फील द रेट ऑफ मैथ, फील करो आप इस चीजों को। जब तक अपन फील नहीं लाएंगे ना, तब तक कोई मजा ही नहीं होता। अरे मेरे दोस्तों, प्यार में भी फील की जरूरत होती है और नफरत में भी फील की जरूरत होती है। तो जब तक फील ही नहीं करोगे तो ये सब कचरा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना है, फील करना है, और इसी के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों क्वेश्चन में बोला, एक सेंटेंस आपके सामने है कि ए बी का 25% है, A इज 25% ऑफ B, तो आपको फाइंड करना है जी A अनुपात B। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपको। मैं कहना चाहता हूँ सर आपसे कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए वर्ड का, क्या दिख जाए मेरे दोस्तों का, आपको दिख जाए जी से, क्या दिख जाए मेरे दोस्तों से, आपको दिख जाए इंग्लिश की मैं बात करूँ तो देन और ऑफ,
अगर इन चारों में से कोई भी एक वर्ड आपको दिख जाए, इन चारों में से कोई भी एक वर्ड अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा बात करेगा सर्जी डिनोमिनेटर की। किसकी बात करेगा? डिनोमिनेटर की। हिंदी में बोलते हैं जिसको हर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? हर। ये बात करेगा वास्तविक संख्या की। किसकी बात करेगा? वास्तविक संख्या की। मेरे दोस्तों इसी को बोल देते हो आप वास्तविक संख्या की बात करेगा। ये बात करेगा कि चीजें किसके रेस्पेक्ट में हो रही है। ये किसकी बात करेगा कि चीजें किसके रेस्पेक्ट में हो रही है। तो इन सब चीजों की बात करेगा वो जिसके साथ जुड़ा हो, का से देन या ऑफ। मेरे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर का आ जाए, से आ जाए, देन आ जाए या फिर ऑफ आ जाए, वो हमेशा किसको डिनोट करेंगे? नीचे वाले को। अरे बोलो ना, एक तो ऊपर होता है एक नीचे होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यानी कि ये बात करेगा हर की, ये बात करेगा वास्तविक संख्या की, ये बात करेगा कि रेस्पेक्ट में कौन है, अरे किसके एवज में ये चीजें चल रही है। तो उसको कौन बताएगा जी? इन्हीं वर्ड के माध्यम से अपन समझेंगे। चलिए दोस्तों, इतना सा लिखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने ये सब लिख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चे। क्या इस चीज को मैं मिटा दूं? देखिए, यानी कि आप एक चीज तो समझ चुके हो सर कि जब भी किसी के साथ का आ जाए, से आ जाए, देन आ जाए या ऑफ आ जाए तो वो हमेशा नीचे वाले की बात करेगा। चलिए समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है मेरे दोस्तों आगे से चलती है। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से चलती है? आगे से। और आपको पता ही है ना, अपन तो जीरो का आविष्कार करके भूल गए कि उसके बाद में कुछ करना भी है, नहीं तो अपन आज बहुत आगे होते। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में ही थे। अरे इंग्लिश लोगों ने तो लिखे ना, अंग्रेजों ने तो लिखे, अब वो तो इंग्लिश ही जानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे आगे से स्टार्ट होती है, वैसे आपका मैथ्स का प्रश्न भी कहाँ से स्टार्ट होगा मेरे दोस्तों? आगे से। तो आपको चीजें पढ़नी है, समझनी है और उनको अप्लाई करना है। आपका दोस्त आपके साथ है, बिल्कुल एक चीज समझ में आएगी आपको। 1% भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ आपको समझ में नहीं आए। बस आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, देखना है आपको, बस देखना है। बाकी सारी चीजें आप अपने भाई पे छोड़ दो, गारंटी है टीचर बन के निकलोगे। क्या बन के निकलोगे दोस्तों? टीचर बन के निकलोगे, इतना सा वादा है आप लोगों से। चलिए देखिएगा, मैंने बोला आगे से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है मेरे दोस्तों? आगे से। मैंने बोला आगे से आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में क्या है? ए कौन भैया? ए। तो मैंने क्या लिखा? ए। अरे बोलो, अरे हाँ या ना? चलो इसको दूसरे वाले मार्कर से लिख देता हूं मैं। क्या पढ़ा मैंने? ए बी का। तो आगे तो कौन आया? ये ए बी का, ध्यान से सुनना, बी का। एक बार वापस से, बी का। अरे ये दिख रहा है क्या आपको? अरे बोलो ना, अरे ये का दिख रहा है क्या? अरे मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले आपसे ये बोला था, कुछ क्षणों की ही बात है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, अगर कहीं का दिख जाए, कहीं से दिख जाए, कहीं देन दिख जाए, कहीं ऑफ दिख जाए तो वो बात किसकी करेगा? डिनोमिनेटर की। अरे नीचे वाले की बात करेगा मेरे भाइयों। किसकी बात करेगा? नीचे वालों की। आपने एक वीडियो वायरल हुआ था वो सुना होगा, पीछे देखो पीछे, सुना है ना? पीछे देखो पीछे, पीछे तो देखो। तो वैसी बात है भाई साहब, जब भी का दिख जाए, से दिख जाए, इंग्लिश वालों देन दिख जाए, ऑफ दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है? अरे नीचे देखो नीचे। कहां देख रहे हैं दोस्तों? नीचे देखो नीचे। तो यानी कि का किसके साथ जुड़ गया? अरे आप बोलोगे जी बी के साथ में। यानी कि बी कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। हर में आएगा मेरे भाइयों, हर में आएगा। यानी कि बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? बी के रेस्पेक्ट में हो रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहा है क्या मेरा भाई? अरे बच्चे बोलो ना, क्या ये बात जो है, क्या सारा का सारा मैटर बी के अकॉर्डिंग है क्या? यानी कि बात हो रही है जी सर बी के रेस्पेक्ट में। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ए ए बी का आ गया तो बी कहां आएगा? नीचे। यानी कि ए बटे बी। अरे समझ पाए हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ए दोस्तों ए बी का,
तो बी कहाँ आएगा? नीचे। कितना है दोस्तों? 25% है, यानी कि ये किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 25%। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना बोल दो ना यार। हाँ, अपने तो घर की बात है दोस्तों, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि ए बी का देखो समझ में आना इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लो, मैं समझा के ही रहूंगा। आप मानो या ना मानो, मैं कत्ते ढीठ किस्म का आदमी बनूंगा, आपको समझा के ही दम लूंगा। मैं बोल रहा हूं, जब भी किसी के साथ क्या आ जाए, का आ जाए, मेरे दोस्तों से आ जाए, मेरे दोस्तों इंग्लिश वालों ऑफ आ जाए या फिर देन आ जाए, तो वो नीचे आएगा और वो वाला ऊपर आएगा। तो ए ए बी का, बी का, बी का, बिका बिका, याद आया बी का। तो ये बी का आएगा सर, का की वजह से नीचे आएगा। तो ए बी का कितना है दोस्तों? 25% है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्या 25% का मतलब 25 बटे में 100 होता है? अरे हाँ या ना। अरे जब भी परसेंट हटाते हो तो क्या नीचे 100 लगाते हो? अरे बोलो ना, लगाते हो पक्का? इतने से बात मेरा बच्चा जानता है। अगर आप इसको कट कर रहे होंगे तो 25 से ये कटेगा जी एक बार। अरे बोलो, और 25 से ये कटेगा कितनी बार? चार बार। अरे हाँ या ना। यानी कि ए का मान कितना आया मेरे दोस्तों? एक। और बी का मान कितना आया? चार। अब तो नहीं कटेगा ना किसी से कोई मेरा बच्चा के बोले अरे सर ये एक से काट दो ना। अरे भाई पागल हो गया क्या बच्चे तू? एक से क्यों काटूं मैं? एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन बहुत से बच्चे ये देख, ये बोल रहा है कि एक से काट दो। अरे मूर्ख प्राणी, इधर देख ध्यान से। ए का मतलब एक, बी का मतलब चार। ए का मतलब एक, बी का मतलब चार। यानी कि आप यहां से क्या ए अनुपात बी बराबर बोल सकते हो कि सर कितना आया? कि सर एक का मतलब आया एक और बी का मतलब कितना आया जी? चार। तो मेरे दोस्तों क्या ये चीज आपको समझ में आई? कैसे अपन ने परसेंटेज वैल्यू को, कैसे अपन ने परसेंटेज वैल्यू को किस में चेंज कर दिया जी? रेशियो में। वापस से एक बार देखना कि ए इज 25% ऑफ बी है तो फाइंड ए रेशियो बी। ए बी का 25% है तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर वन का ए पॉइंट है ये। तो मैंने बोला जिसके साथ का आ जाए, जिसके साथ से आ जाए, जिसके साथ देन आ जाए, मेरे दोस्तों जिसके साथ क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो आपने देखा ए बी का किसके साथ है? बी के साथ में। तो बी कहाँ आएगा? नीचे। कहाँ आएगा मेरे दोस्तों? नीचे। तो ए बी का कितना परसेंट है? 25%। 25% इक्वल टू 25/100, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 1 किसकी वैल्यू आ गई जी? ए की। और 4 किसकी वैल्यू आ गई? बी की। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो ए अनुपात बी बराबर कितना? 1:4। क्या ये चीज़ समझ में आई बच्ची? चलिए कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो तो। लेकिन मेरा मानना ही है कि चीज़ों को लिखिए, जब तक चीज़ें आपके हाथ में से होकर नहीं निकलेगी तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यानी कि चीज़ों को फील करनी है अगर, लिखना है पड़ेगा ही सही। एक बार कॉपी में लिख लीजिए, आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे ये, आपके नहीं तो आपके बच्चे बच्चों के काम आएंगे। क्योंकि मैं चेंज थोड़ी होगी, क्योंकि आपका भाई मास्टर कौन पढ़ा रहा है? हाँ हाँ या ना। आने वाले 50 सालों तक चेंज नहीं हो पाएगा भैया। ये जो तरीके पढ़ रहे हो ना, नौकरी लग जाओगे तुम। और नौकरी तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले भी पढ़ेंगे, तुम्हारे छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी, और तुम बात करोगे कि यार सर मास्टर बाबा। चलिए जी, ये मजाक की बात थी है। लेकिन मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप पटक लोगे कोई मतलब नहीं है, आपको चीज़ें लिखनी है। मेरा तो मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं है। पक्के पक्के खाने से बेटा मतलब नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई शॉर्टकट ही नहीं होता। हाँ या ना। तो अगर आपको फील करनी है चीज़ें तो आप क्या करो, मेहनत करो, लिखो और इनको फिर एडवर्टाइज करो। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अभी मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर टू की। मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉइंट नंबर टू की। देखो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट चल रहा है लेकिन पॉइंट नंबर चलेगा जी आपका। पॉइंट नंबर मान लीजिए बी है। पॉइंट नंबर बी में आपसे बोला कि ए बी से, ए बी से 25% ज्यादा है। ए किससे? बी से। ए किससे? बी से। आया क्या? अरे बोलना आया। अरे आ गया क्या? अरे आ गया ना यार, से आ गया। क्या आ गया? से आ गया। अगर से आ गया, का आ गया, ऑफ आ गया, देन आ गया, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है? नीचे वाले की। यानी कि क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना है? आगे से। तो मेरे दोस्तों यहाँ भी आपसे पूछा है कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा? अरे बोलो, अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो आगे से पढ़ूंगा तो ए, तो ये ए,
किसका ये किससे बी से आप बोलोगे से लग गया सर बी का आएगा जी नीचे 25% ज्यादा है तो ये 25% और मैंने लिख दिया ज्यादा है तो ये ज्यादा का निशान लगा दिया अरे बोलो हाँ या ना कितनी सी बात क्लियर है अब मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये 25% ज्यादा है ये तो बात की बात है पहले लिखना तो आए ना आपको कि भाई ए ये ए बी से किससे बी से कितना ज्यादा है जी 25% ज्यादा है ये लीजिए सर अब सबसे पहले तो आप सोल्व करो 25% को मेरे दोस्तों ये जो 25% है कौन ये जो 25% है क्या 25% आपने थोड़ी देर पहले देखा क्या 1/4 होता है क्या अरे हाँ या ना मैं बोल रहा हूँ ये जो 25% है कौन ये जो 25% है क्या 25/100 आएगा अरे 25/100 आएगा तो थोड़ी देर पहले सोल्व किया मेरे भाइयों ने कि 25/100 सर 25 से काटो एक बार और 25 से काटो चार बार यानी कि सर 25% ज्यादा है इसका मतलब 1/4 ज्यादा है अरे बोलो कि सर ये जो 25% ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 ज्यादा है क्योंकि जो 25% है होना हो 1/4 वही तो है क्लियर है ना भैया अब आप देखो आपसे पूछा है जी कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा अरे हाँ या ना अब आपको पता है कि सर नीचे वाले वैल्यू तो ओरिजिनल होती है थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था यानी कि बी का मान तो क्या है जी फिक्स है बी का मान तो क्या है जी फिक्स है अगर बी का मान फिक्स है तो मतलब बी का मान तो 4 है बी का मान तो कितना है 4 है अच्छा आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि ए उससे 25% ज्यादा है ए उससे 25% ज्यादा है और वो कितना है 1 अगर बी 4 है तो ए उससे 1 ज्यादा है अरे बोलो ना यार इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर बी 4 है तो ए उससे 1 ज्यादा है फेल करो ए बी से ज्यादा है तो ज्यादा कौन होगा ए होगा किससे होगा बी से होगा 25% होगा 25% 1/4 अगर बी का मान 4 तो ए उससे 1 ज्यादा तो ए का मान कितना आ गया 5 यानी कि आपका ए अनुपात भी कितना आ गया जी 5:4 मेरे दोस्तों क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में जी बिल्कुल वापस एक बार फिर से देखिए बिल्कुल आसान सा तरीके से चलेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे कि ए बी से 25% ज्यादा है तो ए अनुपात बी क्या होगा तो देखो मेरे दोस्तों बी के साथ में सी आ गया तो बी आएगा जी नीचे तो ए बी से बी का आएगा नीचे 25% ज्यादा ये ज्यादा है ना ज्यादा तो 25% ज्यादा ऊपर वाला निशान लगा दिया अरे 25% का मतलब कितना होता है 1/4 अभी अपन ने पढ़ा तो 1/4 क्या है ज्यादा है अगर 1/4 ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि बी का मान तो नीचे वाला है जो कि फिक्स होता है ऑलवेज फिक्स होता है तो बी का मान अगर 4 है तो ए उससे 1 ज्यादा है अरे हाँ या ना बी का अगर मान 4 है तो ए उससे 1 ज्यादा है तो बी का मान अगर 4 हुआ तो ए 1 ज्यादा यानी कि कितना हो जाएगा 5 तो आपका आंसर आ जाएगा जी 5:4 मेरे दोस्तों मेरे क्या ये बात समझ में आई आपको अरे बोलो क्या ये बात समझ में आई तो मेरे दोस्तों अगर वो पूछ ले कि इतना ज्यादा है तो कितना आ जाएगा आंसर 5:4 कॉपी कीजिए और जो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं साइड में जाता हूँ अरे पढ़ ले चलिए जी सर आशा करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा अब चलते हैं पॉइंट नंबर सी पर भाई जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है इस बोर्ड पे आपके सामने कुछ क्षण में होगी अब मैं बात करता हूँ जी पॉइंट नंबर सी की मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आपने सीखा कि ए बी का इतना परसेंट है फिर आपने सीखा ए बी से इतना ज्यादा है तो क्या कम वाला नहीं आ सकता क्या मेरे दोस्त बिल्कुल सही समझे कि अब आएगा जी सर अगर कम बता दे तो क्या होगा तो मेरे दोस्तों देखिए आपसे बोला कि ए बी से 25% कितने प्रतिशत 25% कम है ए बी से 25% क्या है दोस्तों कम है और आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा
मेरे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं, आपसे बोला कि ए बी से 25% कम है और आपसे पूछा कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो मेरा तो वही फंडा, मैंने आपको क्या बताया कि का आ जाए, से आ जाए, ऑफ आ जाए, देन आ जाए, उनमें से यहां पर क्या है? अरे बोलो, उनमें से क्या है यहां पर? अरे बोल तू बता, अरे बता 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 फटाफट बता, बता दे यार, देख तू क्या है से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई ने बताया कि यहां पर क्या है सर, से है। अगर से आ गया तो ये किससे रिलेटेड है? बी से, यानी कि बात किससे रिलेटेड होगी? बी से। ओरिजिनल कौन बनेगा? बी। अब आप आगे से पढ़ो, ए बी से, तो ये ए किससे? बी से। 25% मेरे दोस्तों, ये 25% कम है, तो ये कम वाला निशान मैंने लगा दिया। क्या यहां तक तो लिखना आपको आया? मैंने बोला आगे से पढ़ना है यार। अब आगे से पढ़ना है, उसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से, ए ए बी से, बी से, बी से कितना प्रतिशत? 25% कम है, कम है, आसानी कीजिए। चलो तो ए बटे बी बराबर अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों 25% का मतलब कितना होता है जी? 1/4। क्या है दोस्तों, कम है? अरे बोलो, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। आप देख सकते हो सर, ये 25% ना लिख देता हूं, क्या ये होता है? जब आप इसको कट कर रहे होंगे तो ये एक बार कटेगा, ये चार बार कटेगा, यानी 25% इक्वल टू कितना? 1/4। चलिए, तो ये 1/4 कम है, ये कितना कम है? 1/4 कम है। तो मेरे दोस्तों क्या ए बटे बी बराबर अगर मैं आपसे पूछूं, या ए अनुपात बी लिख दे सीधा, अगर ए अनुपात बी की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि बी का मान तो फिक्स है ना? अरे हाँ यार, आप बोलोगे सर नीचे वाला तो हमेशा फिक्स होता है, तो बी का मान तो 4 है। अगर बी का मान 4 है तो ए क्या है? कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 क्या है? 1 कम है, तो 4 में से अगर 1 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। कि ये चीज़ समझ में आई? एक बार वापस से समझिए कि ए बी से 25% कम है दोस्तों, तो ए अनुपात बी क्या होगा? आप बोलोगे सर से बी के साथ में से आ गया तो बी तो आएगा जी नीचे, अगर बी नीचे आएगा तो ए अपॉन बी बराबर कितना? 25% डाउन, मतलब कम है। इसको अगर आगे लेके चले तो a बटे बी बराबर 25%, 25% को 100 लिखा तो 25/100, 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी कि 1/4 कम है। नीचे वाला वैल्यू होता है फिक्स, यानी कि b का मान अगर 4 है तो a उससे 1 कम है, a उससे 1 कम है, a उससे 1, मेरे साथ बोलो a उससे 1 कम है, तो b का मान 4 है। अरे मेरे दोस्त, अगर आपके पास में 4 रुपये हैं उसमें से 1 रुपया कोई ले गया, या 1 रुपये दूसरे दोस्त के पास कम है, तो उसके पास 3 ही तो रुपये है ना? अरे हाँ या ना, आपके पास 4 है, आपके पास कितने? 4, और आपके दोस्त के पास 1 रुपया कम है, तो क्या उसके पास 3 रुपये होंगे? यानी कि अगर मैं बात करूँ बी के पास में कितने हैं? 4, और ए के पास कितना कम है? 1, तो ए के पास कितना आ जाएगा? 3, यानी कि आपका ए अनुपात भी कितना आ गया? 3:4। चलिए कॉपी कीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर डी पर, पॉइंट नंबर डी पर। अगर आपसे वो कभी कभी ऐसे बोल दे कि ए शेष का 25%, क्या बोलते मेरे दोस्तों? ए शेष का 25% है और आपसे पूछे कि बताइए जी ए अनुपात टोटल कितना होगा? मेरे दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है कि ए शेष का 25% है तो बताओ ए अनुपात टोटल क्या होगा? ए इज 25% ऑफ रेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू टोटल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ए इज 25% ऑफ रेस्ट
एज 25% ऑफ रेस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एज टू टोटल। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मास्टर पवन से पढ़ने के बाद अब आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हो मैथ्स, और वो भी किससे? मास्टर से। मास्टर पवन का फंडा क्या था? मैंने आपको क्या बताया था कि क्या देखना है, का क्या देखना है, से क्या देखना है, देन या क्या देखना है, ऑफ। दिख गया ना? अरे हाँ या ना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके चक्कर क्या पड़ रहे हैं कि सर यार सेस का मतलब क्या यार, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त जिसके साथ भी का दिख जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे अल्फाजों को फील करो, मेरी बातों को सुनो, कि अगर किसी के साथ भी का दिख जाए, से दिख जाए, देन दिख जाए, ऑफ दिख जाए, तो चाहे वो आलिया भट्ट हो, अरे कौन हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, अगर यहां होता ना ए आलिया भट्ट का, तो मैं ए बटे आलिया भट्ट लिखता। अरे भूलो, अगर वो बोलता कि ए नोरा फतेह का, तो मैं नोरा का नाम लिखता। वो बोलता ए कैटरीना कैफ का, अरे तो मैं कैटरीना कैफ लिखता मेरे भाई। तो उसने बोला ए ए शेष का, तो भाई साहब पहले तो क्या आएगा ए, और नीचे क्या आएगा शेष, क्या आएगा जी शेष। कितना है आप बोलोगे जी? 25%। आप क्या बोलोगे? 25% है। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ कि ये जो 25% है इसकी वैल्यू क्या 1/4 होती है क्या? आप बोलोगे सर 25/100, और 25 से 25 एक बार कटा, अरे 100 कटा, चार बार कटा। अब यहाँ पर जो बात है वो समझने वाली ये है कि मेरे दोस्तों ए की वैल्यू तो कितनी है जी? एक, और शेष कितना है? चार। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि ए अनुपात टोटल क्या होगा, ए अनुपात टोटल क्या होगा। इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ आप ऐसे समझना, दो भाई है या दो लोग हैं या दो आदमी हैं या दो फ्रेंड हैं, उन दो फ्रेंडों के पास में या एक आदमी के पास में या किसी के भी पास में, वो जो दो फ्रेंड था उनमें से एक दोस्त ने एक किसी आदमी से 10 रुपये छीन लिए और भाग गया। आपका दोस्त है रवि, वो आपसे 10 रुपये छीन के भाग गया। अब आपके पास में 30 रुपये शेष बचे, अरे हाँ या ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपका फ्रेंड रवि आपसे 10 रुपये छीन के भाग गया, तो आपके पास कितने बचे? 30 रुपये बचे। तो एक बात बताओ आपके पास टोटल कितने थे? बिल्कुल सही, आप बोल रहे होंगे कि सर मेरे पास 40 रुपये रहे होंगे, तब जाके वो 30 रुपये बचे, क्योंकि 10 तो वो लेके भाग गया। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि अगर ए 1 रुपये लेके भाग गया तो आपके पास शेष कितना बचा? 4, यानी कि टोटल कितना रहा होगा? 5। इज दैट क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ए 1 रुपये लेके भाग गया तो शेष कितना बचा? 4, यानी कि टोटल तो कहीं ना कहीं 5 रुपये रहूँगा, तो 5 रुपये से ए 1 के पास चल गया तो शेष कितना बचा? 4। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इसी होप के साथ में कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखो, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। अगर नहीं भी आती आपको, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तो मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आप क्योंकि क्वेश्चन को फील करो, आप तो बस देखो एक बार दो बार तीन बार, चीज़ों को जैसे देखोगे ये 100% में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी, आपका पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगा। और इसी उम्मीद के साथ में आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा। चलिए हो गया सर। चलिए अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जरूरी थोड़ी है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि जरूरी थोड़ी है कि चीज़ें परसेंटेज में आए, हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए। अरे हाँ या ना, हो सकता है चीज़ें फ्रैक्शन में आ जाए, तो जब फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी तो अपन उनके साथ कैसे डील करेंगे, क्योंकि डील तो अपने को करना है ना। कोई भी चीज़ आ गई अगर फ्रैक्शन में आ गया तो उससे क्वेश्चन वाले से बोल नहीं सकते ना, लड़ नहीं सकते, अरे भाई तूने कैसे डाल दिया, अरे है
अरे ये तो अपन को पढ़ाया नहीं है रे, हाँ हमने तो सर पढ़ाई नहीं, आपने कैसे डाल दिया, ये तो बेवकूफ़ी है ना, ये वो। भाई सुन ध्यान से, टॉपिक के रेशियो उसके मर्जी पड़े जो पूछेगा। गलती या तो आपके मास्टर की है, गलती आपके टीचर की, या गलती आपकी है, अरे हाँ या ना। तो आपको चीज़ें सारी पढ़नी है, चीज़ें एक भी नहीं छोड़नी, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तैयारी करनी है तो ऐसी करो ना, तैयारी ही करनी है तो ऐसी ही करो ना कि कुछ भी आ जाए आपका वो छूटे ना। अब अपन ने आधी अधूरी चीज़ें पढ़ ली, पढ़ाने वाले भी आधे अधूरे पढ़ाते जा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे का पेपर नहीं निकल पा रहा, हाँ या ना। और दूसरों पे दोष थोपते जा रहे हो। बच्चे गलती दो जगह से होती है, या तो आपका टीचर गलत है, या फिर आपका आप खुद गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर टीचर गलत है तो आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी। और कम समझ में का मतलब क्या है, मेरा मतलब ये कहने का कि बच्चे अगर क्या होता है कि अगर चीज़ें प्रॉपर टीचर को ही नहीं पता, तो क्या आपको बताएगा। सीधी सीधी इजी इजी चीज़ें बता देता है। इजी तो सर्फ होता है, आप जानते हो, और ना कोई हार्ड होता है ना कोई इजी होता है। जो अपने को आता है वो इजी है, वो आसान है, वो सरल है, और जो नहीं आता वही हो जाता है हार्ड। लेकिन आपका भाई किसी से कम थोड़ी है, क्योंकि तेरे भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू की। और कॉन्सेप्ट नंबर टू की अगर मैं बात करूं, तो जब आपके पास में फ्रैक्शंस आ जाए, क्या आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाए, तो फ्रैक्शन से आप कैसे डील करोगे, बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर टू का पॉइंट नंबर ए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि कभी कभी अगर उसने दे दिया कि ए बी का 1/4, क्या बोलो मेरे दोस्तों, ए बी का कितना है, 1/4 है, और आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना मैंने दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको अभी तक जो बताया उसका मतलब यही है कि ए किसका बी का, ए किसका बी का, क्या मिल गया आपको वर्ड का, अरे हाँ या ना। अगर वर्ड मिल ही गया तो आगे अप्लाई कीजिए, ए किसका बी का, तो बी का आएगा नीचे, कितना है 1/4, अरे हाँ या ना, क्या यही होगा, ए किसका बी का, कितना 1/4। आप देख रहे होंगे कि सर ए अनुपात, अगर मैं बी की बात करूं तो बी का मान कितना है जी 4, और ए का मान कितना आ रहा है 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, ए अनुपात बी इक्वल टू 1:4। क्या चीज़ें समझ में, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, मान लीजिए पॉइंट नंबर बी पर अपन चलते हैं, पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर अगर बी की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, और आपसे बोला गया कि ए बी से, ए बी से 1/4 ज़्यादा है, ए बी से 1/4 ज़्यादा है, और आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा, आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा, तो मेरे दोस्तों आपको क्या देखना है, वही अपना पलटा, क्या दिख गया से, अरे दिख गया क्या ये से दिख गया, तो बी का आएगा नीचे, क्योंकि बी के साथ कौन जुड़ा है से, तो आप क्या लिख रहे होंगे सर कि ए किसके बी से कितना है 1/4, क्या है ज़्यादा, ये ज़्यादा, अरे बोलो। अब आपको पता है ना सर कि सर बी का मान तो फिक्स है कितना है 4, बी का मान तो फिक्स है कितना है 4, और ए उससे 1 ज़्यादा है, ए उससे 1 ज़्यादा है, बी का मान फिक्स है 4, बी का मान फिक्स है 4, क्या बात समझ में आ पा रही है क्या, अरे भाई बी का मान क्या है फिक्स है 4, ए का मान क्या है 1 ज़्यादा है, तो 4 और 1 कितना 5, यानी कि सीधी सी बात, अगर आप बोल लो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा, तो बी का मान कितना 4, और ए क्या उससे 1 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, ए अनुपात भी बराबर 5:4, वही आपका करेक्ट आंसर, कॉपी कर लीजिए। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता हो गया। चलिए गाना सुन लिया आपने, अरे वाह मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट
पॉइंट नंबर टू के पॉइंट नंबर सी की आपसे बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर सी आपसे ये बोल रहा है कि कभी सर वो आपसे ये बोल दे, ज़्यादा की बात होगी तो खम की भी होगी ना, कि ए जो है ना वो बी से एक बटे चार कम है, ए जो है बी से एक बटे चार कम है और आपसे बोला कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा। मेरे दोस्तों अपना तो क्या है, जिंदगी भर का ठेका बन गया, LIC ले लिया अपन ने तो, कि सर जहाँ भी से दिख जाए, कहाँ दिख जाए, वो दिख जाए, वो दे दिख जाए, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यानी कि आगे से पढ़ेंगे तो ए बी से, ये बी से कितना परसेंट या एक बटे चार क्या है जी कम है, ये कम है। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा, तो मेरे दोस्तों बी का मान तो फिक्स है ना कितना है, चार है। बी का मान तो फिक्स है ना कितना है, चार है। अगर बी का मान फिक्स है चार है तो ए क्या है उससे एक कम है, ए क्या है एक कम है, अरे बोलो ए क्या है एक कम है। तो चार अगर बी का मान है, ए उससे एक कम है, बी का मान अगर चार है, ए उससे एक कम है, तो क्या उसके पास तीन नहीं होगा क्या, अरे बोलो, अरे बोल बच्चा, कि चार है और ए उससे एक कम है तो क्या उसका मान तीन अनुपात चार होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा तीन अनुपात चार, और यही आपका करेक्ट आंसर है, कॉपी कर लीजिए। आप बैठे हैं बालिन मेरे, मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है, क्या करूं दम निकलता। अच्छा जी हो गया, चले मिटा दो उसको। हाँ भाई हो गया, मैडम आपका हो गया, चल देखे, चलिए अब अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर टू के पॉइंट नंबर डी की तरफ। अरे बोलो चले, पॉइंट नंबर डी में आपसे बोला कि यदि ए शेष का रिमेनिंग पार्ट का रेस्ट पार्ट का यदि ए शेष का एक बटे चार है तो मेरे दोस्तों ए अनुपात टोटल कितना होगा, ए अनुपात टोटल कितना होगा, और ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। चलिए वही जिंदगी भर का ठेका कि ए किसका, ए किसका, ए किसका, किसका किसका किसका, भाई आ गया ना का, अगर का आ गया तो आगे से चलोगे, ए किसका का शेष का। मैंने पहले भी बोला था आलिया भट्ट होती तो आलिया भट्ट लिखता, मैंने पहले भी बोला था कैटरीना कैफ होती तो कैटरीना कैफ भी लिखता, तो यहाँ पर क्या है शेष, तो शेष के साथ का आया तो शेष का आएगा नीचे, कितना है भैया एक बटे चार। अब आप बात कर रहे होंगे सर ए का मान क्या है, एक शेष कितना बचा चार, ए का मान कितना है एक शेष कितना बचा चार, अरे भाई ए एक रुपये लेके भाग गया शेष कितना बचा चार, यानी कि ए अनुपात अगर मैं टोटल की बात करूँ, ए अनुपात अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ए के पास है एक रुपया और शेष कितना बचा चार, तो टोटल कितना रहेगा पाँच, यानी कि ए अनुपात टोटल कितना आ गया एक अनुपात पाँच, और कॉपी कीजिए बिल्कुल। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए, कर ले भाई कर ले। चलिए हो गया कॉपी, अब आगे बढ़ते, अब अपन चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पर, अब अपन चलेंगे मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पर। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कभी कभी मेरे बच्चे आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि पॉइंट नंबर ए में बात करता हूं, पॉइंट नंबर अगर ए में ए की बात करूं, आपसे उसने बोला कि ए अनुपात बी बराबर 3.5 है, तो बताइए जी ए रेशो बी वास्तविक रूप में क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर 3.5 है तो बताइए अनुपात बी क्या होगा। तो मेरे भाई इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा क्या आप बोल रहे सर कि सर ए अपनी जगह अनुपात का मतलब बटाई होता है, अरे हाँ यार, अरे अनुपात का मतलब डिवाइड ही होता है ना, बटे होता है ना, तो अनुपात मतलब बटे बी कितना 3.5। बोलो भाई
अब पॉइंट लग गया सर, इसको कैसे सोल्व करें मेरे दोस्तों? जब भी पॉइंट के बाद में कुछ नंबर हो तो वो देखो कितना काउंट है भैया, एक है। तो 3.5 को क्या आप 35/10 लिख सकते हो क्या? अरे बोलो, क्या 3.5 को 35/10 लिख सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल प्यार से सीखो मेरे दोस्तों। अपन पढ़ाई लिखाई की बात के अलावा और कोई मतलब नहीं अपने को, बस पढ़ो आप। तो मेरे दोस्तों कई 5 से कटेगा कितने बार? 7 बार। 5 से कटेगा कितने बार? 2 बार। यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू क्या ए का मान 7 और बी का मान 2 निकल रहा होगा क्या? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, हाँ या ना मेरे दोस्तों? 3.5 को मैंने लिखा 35/10, 5 से 35 को काटा 7 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार। यानी कि यहाँ से अगर वो बोले कि बताइए जी ए अनुपात बी कितना आया, तो मेरे भाई अब तो बोल सकते हो आप कि ए का मान जी सर 7 है और बी का मान कितना है? 2 है। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 7:2। कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? मैडम हो गया? भैया पीछे वाले हो गया कॉपी? चलो देखो आगे। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। अच्छा पॉइंट नंबर बी में अगर अपन बात करें, ऐसे एग्जाम्पल और ले लें अपन। जैसे मान लीजिए आपको उसने दे दिया ए अनुपात बी बराबर 4.25 और आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा, तो आप तो निकाल सकते हो आंसर कि ए अनुपात बी यानी कि ए बटे बी। अरे बोलो कितना है? 4.25। अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये ए बटे बी बराबर क्या 425/100 बन रहा होगा। अरे बोलो, क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक है तो आप क्या लगा दो नीचे, 2 जीरो लगा दो, 425/100। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ए बटे, अगर मैं बी की बात करूं तो अगर इसको आप काट रहे हो, किससे काटोगे बेटा? 5 से काटोगे, 25 दोनों से कट जाएगा। 5 से काट रहे हो तो 5 से काट दो, 5 से अगर इसको काटोगे तो 8×5=40 कितना बचा? 2×5=25 5 इसको काटा तो 20 बार, फिर 5 से कटेगा, 5 से कितनी बार कटाइए? 17 बार। 5 से कितनी बार कटाइए? 4 बार। यानी कि ए का मान आ रहा होगा 17, बी का मान आ रहा होगा जी 4। अरे हाँ यार, ए का मान आ रहा होगा 17, बी का मान आ रहा होगा 4, क्योंकि अभी किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ से ए रेशो अगर वो बी की बात करेगा तो ए का मान जी 17 और बी का मान 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? 17:4। क्या ये चीज़ समझ में आ पाई है? क्या ये समझ में आ पा रहा है? अरे बोलो, क्या ये चीज़ क्लियर है? अरे बोल दो ना यार, यार ऐसे नाराज मत करो मेरे को भाई, हैं? अरे बोल दा, बच्चा पागल हो गया यार तू यार, हैं? मेरे भाई देख सुन, कि 4.25 है ना, कि सर ये अनुपात, बच्चा पूछ रहा है सर ये अनुपात भी 4.25, मेरे अनुपात भी क्यों पूछ रहा हूँ? मेरे दोस्त मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तेरे से कि ये एक ही सिंगल डिजिट में दिया ना, ये एक ही नंबर में दे दिया उसने, वो पूछ रहा है कि भाई ए का भी अलग मान बताओ और बी का भी अलग मान बताओ, ए का भी अलग मान बताओ और बी का भी अलग मान बताओ, इस वजह से कर रहे हैं। पागल हो गया तू? ये बच्चा पूछ रहा है कि सर जब ए अनुपात बी दे ही दिया तो फिर क्यों निकाल रहे अपन, ए अनुपात बी दे ही दिया तो क्यों निकाल रहे अपन? इस वजह से निकाल रहे मेरे भाई, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ए का पर्टिकुलर वैल्यू कितना होगा और बी का पर्टिकुलर वैल्यू कितना होगा। इसके लिए अपन ने क्या निकाला? ए अनुपात बी। एक बार वापस से समझ सकते हैं अपन, वापस से देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि सर ए अनुपात बी बराबर 4.25 है, आपसे पूछा ए अनुपात बी क्या होगा, तो आप देखोगे सर कि 1/b अनुपात का मतलब अपॉन 4.25, तो ये 4.25, आप 4.25 को क्या 425/100 लिख सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, हम लिख सकते हैं। अगर 425/100 लिख सकते हो मेरे दोस्तों, तो इसको मैंने 5 से काटा तो 85 बार, और ये काटा 20 बार, फिर मैंने 5 से काटा तो ये 17 बार, फिर 5 से काटा तो 4 बार। यानी कि ए का मान तो आया 17, बी का मान आया कितना 4, तो ए की वैल्यू तो होगी जी 17, बी की वैल्यू कितनी होगी 4। क्या यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया पक्का? पूरा समझ में आया? अरे वाह बेटे वाह, चलो मौज कर दे यार भाई, तूने आ रहे हैं, चलो बिठा दूं मैं इसको। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सर मैंने बोला ए अनुपात बी बराबर
कितना 16.30। और आपसे पूछा कि बताइए जी ए अनुपात बी क्या होगा, तो मेरे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, ए अपनी जगह अपॉन कितना डिवाइड कितना बी, यही आएगा ए अपॉन बी यानी कि ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर कितना 16.30, यही होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 16.30 को क्या आप 1630 बटे 100 लिख सकते हो क्या? अरे बोलो, क्या इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अरे बोलो, तो क्या यहाँ से आपका क्या 163 डिवाइड बाई 10 आ रहा होगा क्या? अरे हाँ यार पक्का है। अगर आपसे बोले कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो मेरे दोस्तों ए का मान कितना 163 और बी का मान कितना 10, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 163 अनुपात 10। कॉपी कर लीजिए, सपनों में आई के चाय के गोरी। अरे हो गया सर, चलो तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें? हाँ अरे भाई ले आजा, देख अब तो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई के लिए, एक और देखते हैं। मेरे दोस्त इधर देखो आप, मेरे दोस्तों ने बोला कि सर आप मुझे ये बताओ कि ए अनुपात बी बराबर अगर ये आ जाए कि 3.5 तो इसको कैसे करेंगे? मेरे दोस्त देखो, ए अनुपात बी को क्या आप ए बटे बी लिख सकते हो? अरे हाँ या ना। अब ए बटे बी बराबर क्या 3.5 है, और इसी 3.5 को क्या आप 35/10 लिख सकते हो? अरे बोलो ना यार, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 5/10 आ जाएगा क्या? इसको 5 से काटोगे तो यह 7 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो क्या 2 बार कटेगा, यानी कि ए अनुपात बी बराबर क्या 7/2 आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए अनुपात बी बराबर कितना 7/2, और ये क्या आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए, तो कर लोगे ना इस टाइप का अगर कुछ आ जाए तो? अरे बोलो कर लोगे? अरे तुम तो हो ही सहरे यार है, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भैया, तुमसे ना हो पाएगा तो और किससे होगा है? चलो कितने अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो तुम्हें पढ़ाने का मौका मिल रहा है भैया है। चलो 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 देखो भैया, देखो आगे बढ़ जाए तो कभी कभी देखो, वैसे काम तो मेरा हो गया लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको बताऊंगा, अगर छोटी से छोटी चीज़ नहीं बताऊंगा अगर बेटा वो पेपर में आ गया तो आप गलतियाँ कर दोगे। चलो देखो अगला वाला जो अपन एग्जांपल लेते हैं वो उसी के ऊपर है।